WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में यो ट्राइबल चीफ और हम सबके यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस बन गए हैं WWE चैंपियन भी। रोमन रेंस ने डबल चैंपियनशिप को जीत लिया है और रेसलमेनिया 38 में बड़े ही शॉकिंग तरीके से, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन कर देंगे, लेकिन इस बार रोमन रेंस ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए हैं हमारे डबल चैंपियन। अब जब रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार को हरा दिया है तो यहाँ पे अब 8 मई को WWE रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू होने वाला है और इसी पेपर व्यू में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से दो सुपरस्टार हैं जिनका मैच रोमन रेंस के साथ होना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस का करियर इस वक्त पीक में है और जिस तरीके से रोमन रेंस ने बड़े बड़े सुपरस्टार को एक लाइन से हराया है तो यहाँ पे भी एक बड़े सुपरस्टार को रोमन रेंस को फेस करना चाहिए। और ये दो सुपरस्टार बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं इस वक्त WWE में और इन्हीं दो सुपरस्टार के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अब मैंने इस लिस्ट में पहले नंबर में जिस सुपरस्टार को रखा है जिनको रोमन रेंस को फेस करना ही चाहिए बैकलैश में, उनका नाम है कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 38 में बड़ी ही जोरदार और शॉकिंग तरीके से वापसी की थी। बहुत सारे लोगों को पहले से ही उम्मीद थी कि कोडी रोड्स आएंगे, लेकिन जब ये कंफर्म हुआ जिस तरीके से कोडी रोड्स ने एंट्रेंस ली, यहाँ पे सबको पता लग गया कि अब कोडी रोड्स पहले वाले कोडी रोड्स नहीं रहे। कोडी रोड्स को चाहिए फुल इज्जत और WWE में विंस मैकमहन ने इस बार दिया है उनको पूरी तरीके से अप्रिसिएशन, पूरा एकदम ट्रंप कार्ड खोल दिया और सीधे सेथ रॉलिंस को हरा दिया कोडी रोड्स ने। जिस तरीके से WWE में कोडी रोड्स को ट्रीट किया जाता था उनको उतना अच्छा पुश नहीं मिलता था और कंपनी में कोई उनकी बात को नहीं सुनता था। ऐसे में निराश होकर कोडी रोड्स ने WWE को छोड़ के AEW को ज्वाइन किया था और अपने कंधों में AEW को एक बहुत ही बड़ी कंपनी बना दिया। इतनी बड़ी कंपनी बना दिया कि यहाँ पे WWE फैंस आज AEW के कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं। तो ये कोडी रोड्स का ही असर था जहाँ पे उन्होंने WWE को अपने आप को प्रूफ किया। WWE को रियलाइज़ हुआ कि कोडी रोड्स के जैसा टैलेंट को WWE ने खो दिया और WWE के आंखों के ही सामने कोडी रोड्स ने AEW का फॉर्मेशन किया। AEW को एक इतनी बड़ी कंपनी बना दिया जहाँ पे AEW में आज आपको CM Punk, डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 38 में अपना रिटर्न किया और रिटर्न करते ही जिस तरीके से सेथ रॉलिंस को हरा दिया तो यहाँ पे सबको पता लग गया कि हाँ कोडी रोड्स अब पहले के जैसे कोडी रोड्स नहीं रहे और यहाँ पे कोडी रोड्स के अपने करियर में पीक पे हैं और कोडी रोड्स के पास भी बहुत ही बड़ा मोमेंटम है। इस वक्त फैंस देखना चाहते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच। रोमन रेंस अपने करियर के टॉप पे हैं और सभी रेसलर्स को एक्नॉलेज करवाते जा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर को उन्होंने ज़बरदस्ती एक्नॉलेज करवा लिया और यहाँ पे कोडी रोड्स को अगर वो एक्नॉलेज करवा लेते हैं, मतलब कोडी रोड्स को अगर वो हरा देते हैं तो कोडी रोड्स भी उनकी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और फिर जब कुछ सालों बाद रोमन रेंस कंपनी में नहीं रह जाएंगे तो आप याद करो कि कैसे रोमन रेंस ने लाइन से सभी सुपरस्टार्स को हराया था। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर में जो मैंने सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे बड़े लेजेंड WWE के एक ऐसे आइकॉन जिसने WWE को अपने कंधों पे कैरी किया है और अपने दम पे बचाया है, अगर WWE में आज ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना देखने को मिलते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा कारण है स्टोन कोल्ड। 1990 में एटीट्यूड एरा के दौरान पे स्टोन कोल्ड एक ऐसे सुपरस्टार थे जिसने अपने दम पे WCW को कड़ी टक्कर दे डाली और उसी के दम पे WWE ने WCW को हराया। अब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भी रेसलमेनिया 38 में रिटर्न किया था और जिस तरीके से केविन ओवेंस को धोया है, ऐसा लगा ही नहीं कि 19 साल के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना रिटर्न किया। अब ये वाला मैच स्टोन कोल्ड के करियर का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मैच था। अब 19 साल पहले उन्होंने द रॉक के खिलाफ आखिरी वाला मैच लड़ा था और उस मैच को देखने के बाद अगर आप ये वाला मैच देखोगे तो आप गेस भी नहीं कर सकते हो कि दोनों मैच के बीच में 19 साल का डिफरेंस है। अब जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे ही दिया है तो विंस मैकमहन उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आई होप सऊदी अरेबिया के शो में वो देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर बैकलैश में वो आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस को वो फेस करें। और इमेजिन करो PG एरा के इस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस वर्सेस WWE के ऑल टाइम सबसे बड़े सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब हम सब जानते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अगर ये मैच लड़ेंगे भी तो चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ेंगे, अथवा चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे भी तो रोमन रेंस को वो नहीं हराने वाले हैं। लेकिन ये वाला मैच एक ड्रीम मैच की तरह है और खास करके जब से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने रिटर्न किया है तो लोग वाकई में देखना चाहते हैं कि रोमन रेंस के साथ स्टोन कोल्ड का एक मैच होना चाहिए। मैं तो देखना चाहता हूँ कि स्टोन कोल्ड तगड़ा स्टनर मारे रोमन रेंस को और रोमन रेंस बेहतरीन तरीके से स्पीयर मारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को। अब अगर ये वाला मैच बैकलैश में होगा तो इस साल का सबसे बड़ा मैच ये वाला बन जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो बेकार मैच रेसलमेनिया 38 में हुआ है वो लोग भूल जाएंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली दो दिन में एक वीडियो अगर आ जाए, पॉसिबल हो जाए, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को ठोकिए। रेफलिंग कम्युनिटी में अगर आपको मेरे रेफलिंग कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अपने रेफलिंग देखने वाले दोस्तों के साथ। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर जुड़े हुए तो मेरे नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे।